नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यह वी की आज की ऑन न्यू वीडियो में। मेरा नाम युगल, मेरे साथ यतिन और विहान, और आज हम बात करेंगे इस रेनॉल्ट क्विड के बारे में। क्विड रेनॉल्ट की तरफ से पेश करी गई छोटी एंट्री लेवल हैचबैक कार है, जो कि अपने सेगमेंट कंपीट करती है मारुति 800, मारुति की सिलेरियो और हंड्रेड सेंट्रो जैसी गाड़ियों को। अगर मैं गाड़ी के प्राइसिंग की बात करता तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 312,000 रुपीज़ से, और टॉप मॉडल की मिल जाती है ऑल द वे 530,000 रुपीज़। तो ये गाड़ी काफ़ी ईजिली आपके 500,000 रुपये के बजट तक आ जाती है। और इस वीडियो को बनाने के लिए हम आ रखे हैं उत्तराखंड हल्द्वानी के रेनॉल्ट शोरूम में। सो अगर आपको क्विड देखनी है, परचेज करनी है, फिर यहाँ की कोई और गाड़ी देखनी है, यहाँ सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो शोरूम की मैंने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके इन्हें कॉन्टैक्ट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है या फिर आपको किसी और कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है तो प्लीज़ हमें इंस्टा में जरूर से फॉलो कर लो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, स्क्रीन में भी आ रहा होगा। अगर आपको अपने ओनरशिप से शेयर करना है या फिर आपको अपनी कार फीचर करानी है, तब भी आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में कमेंट करके कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो जरूर बनाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ज़्यादा क्लोज 100K सब्सक्राइबर्स के, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस क्विड की शो कर देता हूँ। ये रही इस गाड़ी की चाबी, नॉर्मल से रिमोट की मिलती है, इसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा और पीछे आपको रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी में आपको स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, तो आपको गाड़ी को मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कार को एक बार अनलॉक करते हैं। ये इसका RXT वेरिएंट है, जिसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा और इसमें आपको 800cc का इंजन मिलता है। अगर आप इसका ऑप्शनल वेरिएंट लेंगे, RXT ऑप्शनल वेरिएंट, तो वहाँ पे आपको 1000cc का इंजन मिलेगा और क्लाइंबर में भी आपको 1000cc का इंजन प्रोवाइड होता है। और इस गाड़ी में आपको टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी प्रोवाइड होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कलर ऑप्शन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको टोटल 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं और ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड होगा टॉप वेरिएंट्स में। और जो कलर आप अभी देख रहे हैं, ये इसका मूनलाइट सिल्वर कलर है। अगर गाड़ी के मैं ओवरऑल लुक्स की यहाँ पे बात करूँ, तो गाड़ी अपनी कंपटीटिंग कार के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है दिखने वाइज में। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो एक बोल्ड स्टेरी लुक आपको यहाँ पे मिलता है, LED सेटअप भी आपको यहाँ मिल जाएगा, LED DRLs इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, और जो इंटीरियर का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, एक पूरी ब्लैक फिनिशिंग में आपको इंटीरियर मिलेगा, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले यहाँ पे हम गाड़ी के फ्रंट पोर्शन की बात करेंगे, तो हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर हेलोजन सेटअप मिलता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह कि इसमें आपको LED DRLs भी मिलते हैं, जो कि नाइट के समय फिर शाम के समय में काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। बाकी इस गाड़ी में आपको फॉग लैंप नहीं मिलते, उसकी वजह है कि इसकी जो हेडलैम्प की प्लेसमेंट है वो बम्पर में थोड़ा नीचे की तरफ को है, तो इस वजह से आपको जो लाइट का स्प्रे वो काफ़ी अच्छा मिलता है, फॉग लैंप की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी इसकी जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वो उसके LED DRLs के नीचे मिलेगी आपको। बाकी यही इसकी एयर इनटेक ग्रिल है, मींस रेडिएटर में जो हवा जाएगी वो यहीं से जाती है, और रेनॉल्ट का बीच में आपको लोगो मिल जाएगा, और इसका जो टोइंग हुक है वो आपको उधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को देखने को मिलता है। अगर इसके बोनट में देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ मार्जिन्स मिल जाती हैं, और बोनट भी काफ़ी लॉन्ग और वाइड है। और यहाँ देखेंगे तो वाटर का जो नोजल है वो आपको एक मिलता है, वो भी हुड में। और यहाँ गौर करने की बात यह है कि जिसका वाइपर है वो भी आपको एक सिंगल मिलता है, डुअल वाइपर यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होते, पर ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि जो वाइपर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी इस चीज़ में। तो कार का जो फ्रंट लुक है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस रेनॉल्ट के इंजन के बारे में, तो इसका जो बोनट है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलता है 800cc का 3 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन, से हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 53 BHP 5678 RPM पे और 78 Nm ऑफ टॉर्क 4306 RPM पे। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, और जैसे मैं आपको बता रहा था 5 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्सेस आती है। और इसमें अच्छी बात यह कि इसमें को माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है, कंपनी इस कार पे 25 का माइलेज क्लेम करती है, बाकी आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि कितना एवरेज आप इस कार से सिटी वाइज और हाई वाइज जनरेट करते हैं। अगर आप इसका 1000cc वाला वेरिएंट लेंगे तो ऑब्वियसली इसमें कुछ पावर है वो ज़्यादा मिलेगी, उसमें जो टॉर्क है आपको 91 का मिलेगा और जो BHP है वो आपको 60+ मिलती है, तो इतना डिफरेंस आता है। बाकी फीचर्स वाइज वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड होती है, और हुड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा। BS6 में आने के बाद यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ही मिलता है कि काफ़ी सारे लोगों की पहले कंप्लेन ये थी कि जब ये गाड़ी आई थी तो कुछ टाइम बाद इसके इंजन से काफ़ी वाइब्रेशन होती थी और नॉइज़ आती थी, तो BS6 में आने के बाद ये सब चीज़ें हट चुकी हैं, इंजन काफ़ी साइलेंट हो चुका है और रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है काफ़ी अच्छा। तो गाड़ी का फ्रंट लुक और इंजन स्पेक मैंने आपको बता दिया है, हम चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ सबसे पहले हम डायमेंशंस की बात करेंगे, तो 3.7 मीटर गाड़ी की लेंथ है, 1.5 मीटर गाड़ी की विड्थ है और 1.4 मीटर गाड़ी की हाइट है। और इस गाड़ी में आपको बोलता है 184mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है, तो आपको यहाँ पे स्पीड बम में उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। और इस गाड़ी में आपको 28 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, उसका जो लीवर है वो आपको ड्राइवर साइड की तरफ को देखने को मिलता है।
सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मैक पियर्सन स्टड विद लोअर ट्रांसवर्स लिंक सेटअप मिलेगा और पीछे आपको ट्विस्टेड बीम सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और 4.9 मीटर गाड़ी का टर्निंग रेडियस है। अगर टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टील रिम प्रोवाइड होते हैं और ये आपको 14 इंच की स्टील रिम मिलेंगी। इनकी जो प्रोफाइलिंग है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 165/70 R14 की यहाँ पे आपको प्रोफाइलिंग मिलती है और अपोलो की ट्यूबलेस टायर मिलेंगी। बाकी इनमें आपको व्हील कैप भी मिल जाता है, आई थिंक ये शायद एक्स सीरीज का पार्ट है। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे एक मेन बात ये आती है कि इसकी जो आर्चरिंग है वो काफ़ी बड़ी है, पर इनकी वजह से जो टायर का साइज़ है वो छोटा नहीं लग रहा है। क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में आप देखेंगे जिनमें जो आर्चरिंग बड़ी होती है उनका टायर का साइज़ होता है, अगर उसमें 16 इंच के अभी भी आ रहे हैं तो वो भी छोटे लगते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। और गौर करेंगे जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको आर्चरिंग में ही मिलता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर गाड़ी में देखेंगे जो छोटे सेगमेंट की होती है उनमें जो टर्न इंडिकेटर होता है वो यहाँ पे मिलता है बॉडी में, जिससे गाड़ी साइड से काफ़ी ओल्ड फैशन टाइप लगती है, लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता ये चीज़। तो ये चीज़ आपको यहीं पर मिलेगी ताकि गाड़ी साइड से दिखने में अच्छी लगे। अगर हम ओवरविंग की बात करें तो ये आपको कोई ना ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगा ना ही इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल करेगा, सब चीज़ आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी इसमें। अगर आपको इसे फोल्ड करना है तो इसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आप इसका क्लाइंबर वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे लुक्स मिल जाते हैं। ओवावी में आपको पूरा अच्छा बॉडी कलर मिल जाता है, ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। तो अगर आप क्लाइंबर वेरिएंट लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे तो आपको लुक्स में गाड़ी और अच्छी मिलेगी। अगर डोर हैंडल देखें तो वो आपको थोड़े ओल्ड फैशन टाइप में मिलेंगे और वो आपको पूरी मैट कलर की फिनिशिंग में प्रोवाइड होते हैं। और अगर आप बी पिलर में, ए पिलर, सी पिलर कहीं भी देखेंगे तो पूरे में आपको वो एक बॉडी कलर फिनिशिंग मिलती है। और रूफ में भी आपको बिल्कुल प्लेन मिलती है, कोई डिज़ाइन नहीं मिलेगा। और जो रूफ एंटीन है वो आपको फ्रंट की तरफ को मिलता है। अगर हम डोर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े से ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं, जिससे साइड का लुक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। अगर आप एक चीज़ और गौर करते हैं, पीछे की तरफ को यहाँ पे आपको RXT की बैजिंग भी मिल जाती है दोनों तरफ को। तो कार का जो साइड प्रोफाइल है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के बैक पोर्शन के बारे में। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के बैक पोर्शन के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम टेल लैंप की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको LED टेल लैंप प्रोवाइड होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर LED नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इंडिकेटर लाइट, बैक लाइट है वो आपको यहाँ पे हैलोजन मिलती है। बाकी जो इसका LED का डिज़ाइन है वो थोड़ा सी शेप में बनता है और शाम के समय काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। बाकी गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको रेनॉल्ट की बैजिंग मिलती है, क्विड की बैजिंग मिलेगी और उसी के ऊपर आपको रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है। और गौर करेंगे तो लोगों के अंदर ही आपको इसमें कैमरे की प्लेसमेंट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। बम्पर में देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 4 नहीं मिलते। और जो इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप है वो इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को देखने को मिलेगा। ऊपर देखेंगे तो कोई डिफॉगर नहीं मिलता, ना ही रेयर वाइपर मिलेगा, पर यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट मिलता है और ना ही यहाँ पर आपको कोई रेयर स्पॉइलर मिलेगा। पर आप चाहो तो इन चीज़ों को एक्सेसरीज में लगवा सकते हो। बाकी आपको एक चीज़ बताऊं, इसकी जो बूट एक्सेस है वो यहाँ पे कोई सेंसर नहीं मिलेगा आपको, आपको इसे की से मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा या फिर आपको ड्राइवर साइड जो लीवर दे रखा होता है सीट के नीचे उससे एक्सेस करना पड़ता है। बाकी और ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होते। तो गाड़ी का जो बैक पोर्शन है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में, तो इसकी बूट ओपन करते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपको मिलती है 279 लीटर की बूट स्पेस, जो कि डिसेंट है, तो इसमें आप बड़े लगेज भी थोड़ा कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे लगेज है वो ढेर सारे आप कैरी कर लेंगे। और ये इसकी पार्शियल ट्रे हो गई, टूल किट जो फर्स्ट एड है वो सब आपको यहीं पे इस तरह से मिल जाता है। और इसमें आपको स्टील रिम भी प्रोवाइड होता है और वो आपको सेम साइज़ का मिलेगा, 14 इंच का स्टील रिम मिलता है, एक प्रोफाइलिंग छोटी नहीं मिलती है। बाकी अगर आपको और स्पेसिंग चाहिए तो इसकी जो सेकंड रो है आप उसको फोल्ड कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट में स्पेसिंग मिल जाएगी, तो बहुत बड़ा लगेज भी आप कैरी कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाड़ी का जो ओवरऑल एक्सटीरियर है वो मैंने आपको दिखा दिया कि चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ को, देखते हैं कौन कौन से फीचर आपको इस मॉडल में प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों जब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी सीटिंग कम्फर्ट की बात करूँ तो जैसे आपको बताऊँ मेरी हाइट 6 फीट है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे डिसेंट अमाउंट में स्पेसिंग मिल रही है। यहाँ पे मेन बात गौर करने की, जैसे जिनकी हाइट ज़्यादा लंबी होती है, जिनके पैर ज़्यादा लंबे होते हैं तो उनके पैर के अंदर ज़्यादा डैशबोर्ड में टच आते हैं, तो यहाँ पर आपको वो दिक्कत फेस नहीं होगी। और यहाँ पर आपको जो सीट है उसका हाइट एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं मिलता, फिक्स सीट मिलेंगी यहाँ पर आपको। और यहाँ पे जो मेरा अंदरथाई सपोर्ट है और जो बैक सपोर्ट है वो मुझे डिसेंट मिल रहा है, लेकिन जो हेडरूम स्पेस है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप यहाँ डोर में देखेंगे तो यहाँ पे कोई आपको सॉफ्ट टेस्ट नहीं मिलता, पूरा हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ हो रहा है और थोड़ी स्पेसिंग आपको यहाँ पे मिलती है, और इसी की मदद से आप डोर को इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको छोटा वाटर होल्डर मिलता है, 1 लीटर की वाटर बॉटल तो नहीं मिलती, छोटी सी वाटर बॉटल आप यहाँ पे कैरी कर लेंगे। और स्पेसिंग काफ़ी है तो अपना डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, बस यहाँ पे आपको कोई भी स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ओवावीएम को आप इस तरह से मैनुअली यहाँ पे इस मॉडल की मदद से एडजस्ट करेंगे। बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल्डर मिलता है, इसकी वजह से आप कोई भी छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो चीज़ आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और ये इसका AC वेंट है।
अब इंटीरियर की बात करें तो आपको दिखाऊं ड्राइवर साइड से डैशबोर्ड है कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग दिखने में काफी अच्छा, ज्यादा बड़ा नहीं, कॉम्पैक्ट टाइप का स्टीयरिंग मिलेगा और इसमें कोई लेदर की स्टिचिंग आपको प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन दिखने में स्टीयरिंग काफी अच्छा लगता है। जब पकड़ेंगे तो काफी अच्छा फील मिलेगा यहाँ पर आपको, और गौर करेंगे सिर्फ इतने से हिस्से में आपको रेड कलर की स्टिचिंग प्रोवाइड हो रही है, आपको अच्छा लुक मिलता है यहाँ पे। और कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, हल्की सी यहाँ पे ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी, ग्लॉसी ब्लैक कलर की, और बीच में आपको रेनॉल्ट का लोगो मिलता है और जिसका हॉर्न है वो आपको यहाँ पे इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा दोनों तरफ को। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाइपर से कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पर आपको इंडिकेटर के और लाइट के कंट्रोल मिलेंगे। बाकी अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करता हूँ यहाँ पे मैं, तो इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, फिक्स रहेगा स्टीयरिंग। और यहाँ पे हम स्पीडोमीटर की बात करें तो ये आपको पूरा डीजल मिलेगा, टैकोमीटर स्पीडोमीटर पूरा डीजल रहेगा यहाँ पे, ऑयल टेम्परेचर सब चीज़ आपको डीजल में शो होगी। और बीच में काफी बड़ा आपको ट्रिप मीटर मिलता है जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा, गाड़ी की स्पीड क्या है, टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, टेम्परेचर, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती है। अगर आप गौर करेंगे तो दरवाजों में कहीं भी आपको विंडो के कंट्रोल या डोर को लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल नहीं मिलते, क्योंकि वो सब चीजें आपको यहाँ सेंट्रल कंसोल पे मिलती है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन है, ये हैजार्ड लाइट का बटन हो गया, एक एक्स्ट्रा डमी बटन मिलता है, और जो ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये विंडोज को ऊपर नीचे करने के बटन है, और ये खाली फ्रंट के कंट्रोल से मींस ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, पीछे की सीट के लिए नहीं मिलता आपको ये कंट्रोल। बाकी सेंट्रल कंसोल में पूरे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग प्रोवाइड होती है और काफी बड़ी टच स्क्रीन यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी जिसमें कैमरे की फिटिंग भी हो रखी है, तो अगर आप रिवर्स करेंगे तो कैमरा भी आपको शो होगा इसमें। बाकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एंड्रॉइड एप्पल दोनों को सपोर्ट करता है, काफी अच्छी बात है क्योंकि इतने रेंज के अंदर कोई भी गाड़ी आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं करती, खासकर कैमरा आपको चीज नहीं मिलेगी, भले आप मारुति की गाड़ी ले लें कोई और गाड़ी ले लेते हैं। और यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का भी बटन प्रोवाइड होता है, क्योंकि काफी अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स गियर लगाता हूँ कुछ इस तरह से, नॉब को बस आपको ऊपर की तरफ को प्रेस करना है और रिवर्स गियर लगाना है, तो यहाँ पे जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और इसमें आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड होती है। और जो विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी है, अगर गाड़ी नेचुरल लाइट में खड़ी होगी, कहीं बाहर खड़ी होगी तो काफी अच्छे से आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये मुझे बहुत काफी अच्छी बात लगी इसमें। और नीचे देखेंगे तो कोई ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड नहीं होता, मैन्युअली आपको सब ऑपरेट करना पड़ेगा यहाँ से एसी के जो कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और यूएसबी ऑक्स दोनों ही प्रोवाइड होते हैं, बहुत अच्छी बात है इसमें। और थोड़ी स्पेसिंग है तो चार्ज कर सकते अपना फोन आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। और ऐसा गियर नॉब हो गया, खासकर जो गियर नॉब का डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छा लगा, कि जो छोटी गाड़ी होती है उनका जो गियर नॉब होता है डिजाइन वो बहुत बेसिक सा होता है, कोई ग्लॉसी फिनिशिंग नहीं होती, कोई क्रोम का यूज नहीं होता, बिल्कुल बेसिक से रखते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा डिजाइन आपको इसमें मिल जाएगा यहाँ। लेकिन आपको हैंड ब्रेक मिलता है, उसमें भी आपको थोड़ी सी क्रोम फिनिशिंग मिलेगी। बाकी अगर ग्लव बॉक्स की हम बात करते हैं तो जो ग्लव बॉक्स का साइज है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा, डीप मिलता है काफी अंदर, तो काफी सारा लगेज आप वहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। और यहाँ कॉर करेंगे तो ऊपर आपको क्विड लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी जो पूरा सेंट्रल कंसोल है, पूरा डैशबोर्ड है, सब में आपको एक ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है, दिखने में काफी अच्छा लगता है। अगर ड्यूल टोन फिनिशिंग होती तो उतना मजा नहीं आता इंटीरियर देखने में। अगर ड्राइवर साइड की तरफ को हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता, इवन अगर आप को ड्राइवर साइड की तरफ देखेंगे तो वहां पर भी आपको कोई मिरर नहीं मिलता है। बीच में सेंटर में आपको एक लाइट मिलेगी, वो भी आपको हेलोजन में मिलती है इस तरह से। बाकी इसकी जो स्प्रे है वो भी उतना कुछ खास नहीं, बस लो टाइप की लाइट मिलेगी इसमें, और इसे फ्रंट में मिल रही है, बीच में कोई लाइट आपको प्रोवाइड नहीं होती है। बाकी आपको ये कोई ऑटो डिमिंग नहीं मिलता और इसको आपको इस तरह से मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ ऊपर आपको एक छोटा सा माइक मिल जाता है वॉइस कमांड के लिए। अगर यहाँ पे मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूँ तो जो ये वाला वेरिएंट है इसमें आपको सिर्फ एक ही एयरबैग मिलेंगे। अगर आप क्लाइंबर वेरिएंट लेंगे या फिर इसका ऑप्शनल वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको टू एयरबैग्स मिलेंगे ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। इसमें जो ये वाला वेरिएंट है सिर्फ इसमें आपको एक ही एयरबैग मिलता है, बाकी इसमें आपको एबीएस और ईबीडी मिलेगा, ब्रेक ऐसे चीजें नहीं मिलती है। बाकी मैं यतिन से पूछता कि उसे आगे बैठ के कैसा लग रहा है। मुझे आगे बैठ के काफी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्विड में बैठ के इतनी स्पेसिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अपना लेगरूम स्पेस दिखाऊं तो वो मुझे काफी अच्छे में देखने को मिल रहा है। और जो अंडरसाइज सपोर्ट और बैक सपोर्ट है वो तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि हल्का सा बैक सपोर्ट और इसमें इंप्रूव हो सकता था। और जिसमें उन्होंने हेडरेस्ट दे रखे ये एडजस्टेबल नहीं है, अगर ये एडजस्टेबल हो जाते या फिर इनमें जो फिक्स है यही थोड़े बड़े हो जाते तो काफी अच्छा लगता, जो लोग आगे लंबे बैठेंगे उनको हल्की सी दिक्कत आ सकती है नेक में। लेकिन अगर यहाँ पे मैं हेडरूम स्पेस की बात करूँ तो वो मेरे को डिसेंट होने ठीक ठीक देखने को मिल जा रहा है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और साइड में भी अगर आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी कोई ग्रैब हैंडल बार नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको पीछे की तरफ को मिलेंगे। तो ओवरऑल फ्रंट में बैठ के जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है काफी अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर के प्लेसमेंट है वो भी आपको फ्रंट की तरफ यहाँ पर दे रखी है,
तो ये चीजें जो इस गाड़ी में थोड़ी बहुत यूनिक सी कर रही थी, जैसे स्पीकर फ्रंट में देना और यहाँ पे लॉक अनलॉक डोर को करने के और विंडोज को ऊपर नीचे करने के जो बटन है वो यहाँ पे डालना, तो इससे जो गाड़ी है काफी यूनिक सी और काफी इंप्रेसिव लग रही है। तो देखा जाए तो गाड़ी दिखने में काफी अच्छी लगती है अपनी कंपेटिंग कार के मुकाबले, क्योंकि वो जो अगर आप गाड़ी देखेंगे सिलेरियो देखते हैं फिर ऑल्टो से बहुत बेसिक सी रहती हैं, उनमें को अगर आप टॉप फेरिंग मिलेंगे तो देखने में उतना मजा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको काफी अच्छा डिजाइन मिल जा रहा है और थोड़े बहुत यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अब हम चलते हैं बैक सीट में, देखते हैं वहाँ कितनी स्पेसिंग मिलती है, आपको कोई फीचर्स मिलते हैं कि नहीं। तो दोस्तों पीछे की सीट में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें कितना अच्छा सीटिंग कंफर्ट मिलता है। तो सब देख सकते हैं विहान पीछे बैठा हुआ है और जो ये ड्राइविंग सीट है ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट हो रखी है। तो विहान तुझे पीछे बैठे कैसा लग रहा है? मुझे पीछे बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट है 5'10", मुझसे छोटा या मुझसे थोड़ा सा लंबा अगर आदमी बैठता भी, 6 फुट का बंदा भी अगर यहाँ पे बैठता है तो वो भी काफ़ी आराम से बैठ सकता है। अंदर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कुशनिंग की बात करूँ तो वो तो काफ़ी सॉफ्ट है। हेडरूम की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पे दिक्कत ये कि अगर यहाँ पे हेडरेस्ट होता है तो वो काफ़ी बढ़िया रहता। तो देखा है तो जिनकी हाइट थोड़ी सी छोटी तो उन्हें यहाँ पे अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी उन्हें यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है एडजस्टेबल हेडरेस्ट ना होने की वजह से। अब मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ, देखते हैं जब दो लोग पीछे बैठते हैं तो कितना अच्छा यहाँ पे आपको सीटिंग कम्फर्ट मिलेगा। दोस्तों अगर मैं अपने सीटिंग कंफर्ट की बात यहाँ पे करता हूँ तो अगर मैं लेगरूम स्पेस की बात करूँ तो वो मुझे बहुत बहुत डिसेंट सी मिलती है। अंदर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है और लेकिन बैक सपोर्ट वो मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जो सीट्स का एंगल है वो काफ़ी अच्छा है। बस यहाँ पे दिक्कत जैसे बयान करता वही है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट ना होने की वजह से जिनकी हाइट थोड़ी लंबी है उनको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन सिटी वाइज के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है। दो लोग तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, लेकिन बीच में अगर कोई पतला बंदा बैठेगा तब वो काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है, और कोई हेल्दी बंदा बैठेगा तो वो उसको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन लेगरूम में उसे दिक्कत नहीं होने, क्योंकि बीच में ऐसे कोई बड़ा हब नहीं है, नहीं कोई एसी वेंट का ऐसे कोई बीच में आ रखा है। और अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे डोर पे तो पीछे आपको कोई पावर विंडो नहीं मिलती, ओल्ड फैशन की तरह आपको इस तरह से घुमाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो लॉक है वो भी आपको थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप में मिलता है। बाकी पीछे यहाँ पे भी थोड़ी स्पेसिंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं मिलती वाटर बॉटल होल्ड करने के लिए, ना कोई डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए, ना ही यहाँ पे कोई आपको स्पीकर की स्पेसिंग मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको सिर्फ 2 स्पीकर का ऑडियो सेटअप मिलता है। तो अगर आपको जानना है इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी कैसी है सो इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिए। पीछे की तरफ से जो फ्रंट का व्यू है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा, और जो बैक व्यू है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। विंडो काफ़ी वाइड लगती है यहाँ से पीछे की तरफ से देखने में, तो आपको पार्किंग करते समय उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास कैमरा भी है और विंडो भी काफ़ी वाइड है। और यही नहीं, अगर आप जो को ड्राइवर है या फिर कहते पीछे पैसेंजर की जो विंडोज है उनको देखेंगे तो उनका जो एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा, थोड़ी सी वाइड है, तो विजिबिलिटी में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले पीछे की तरफ से देखें अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा सराउंडिंग मिलती है। तो दोस्तों हमने आपको इस कार का जो ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर कैबिन स्पेस कौन कौन से फीचर आपको इस मॉडल में प्रोवाइड हो रहे हैं सब चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अब मेन बात करते हैं इस XTX मॉडल के प्राइसिंग के बारे में, तो इतनी इस गाड़ी का क्या प्राइस है? इस कार का आपका ऑनरोड प्राइस पड़ जाता है हल्द्वानी में 5,45,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स, और ये जो प्राइस है ये आपके शेड आपके सिटी के हिसाब से वेरी करेगा, सो नियर बाय शोरूम जाकर जरूर से चेक कर लें। दोस्तों अगर आप अपना ओनरशिप भी हमसे शेयर करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं अपनी कार को फीचर कराना तो इस वीडियो कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ज़्यादा क्लोज है 100K सब्सक्राइबर्स की, तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।